गाइस, हम आपको बीआईटी मेसरा का दर्शन कराते हैं। बीआईटी का फुल फॉर्म है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा। इस जगह का नाम मेसरा है और ये रांची में है। तो अब हम बीआईटी मेसरा के अंदर हैं और आपको दिखाने वाले हैं बीआईटी मेसरा का कैंपस। इधर में आप हॉस्टल देख सकते हैं, बॉयज के हॉस्टल, और बगल से जो गार्डन है इस पे गाय चर रही है। और आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट बिल्डिंग आगे है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स लेफ्ट है, जीबी बिरला ऑडिटोरियम लेफ्ट है और हॉस्टल नंबर 6-7 राइट है। तो अभी सबसे पहले हम लोग लेफ्ट लेते हैं, यहाँ से लेफ्ट की ओर लेते हैं और देखते हैं कि क्या है आगे। आगे ये एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, आगे देखते हैं कैंपस कहाँ तक जाती है, देखते हैं कि क्या क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फुटबॉल के स्टेडियम है और आगे हम लोग निकल रहे हैं। देखते हैं कि ये जो रोड है ये किस। इधर एक्सटीरियर में आ चुके हैं हम लोग बीआईटी मेसरा के। अब हमें लगता है कि यहाँ से राइट लेना पड़ेगा और ये गांव की ओर जा रही है, तो इस यहाँ से हम लोग टर्न ले लेते हैं। मेरे राइट साइड फुटबॉल का ग्राउंड है, यहाँ पर लोग वॉलीबॉल भी खेलते हैं और बास्केटबॉल भी खेलते हैं। वॉलीबॉल और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं, बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, सारे इंजीनियर्स हैं, ये भविष्य के इंजीनियर। इधर में मेन स्टेडियम आप देख सकते हैं जिसपे लाइटें हैं और स्टेडियम जैसा है, गोल पोस्ट है। तो अभी हम लोग स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को देख करके लेफ्ट की ओर लेते हैं, जो रोड सीधे मेन गेट से होते हुए मेन एकेडमिक बिल्डिंग की ओर जाती है। तो अभी देखते हैं हम लोग मेन बिल्डिंग की ओर चलते हैं। सोरिया रोबस्टा का प्लांटेशन हुआ है और बीच से रोड गुजर रही है। रोड आपको देखने में काफ़ी मस्त लग रहे हैं और गजब का ये कैंपस, काफ़ी हरा भरा और नेचुरल सा फॉरेस्ट के अंदर में। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूट बिल्डिंग आगे की ओर, हॉस्टल नंबर 10 और 11 आगे की ओर और स्टाफ क्वार्टर्स और हॉस्टल नंबर 6-7 भी आगे की ओर। इधर में आप देख सकते हैं हॉस्टल, बॉयज़ के हॉस्टल्स हैं। सीधा जो है आपको मेन एकेडमिक बिल्डिंग में ले जाती है बीआईटी मेसरा में। ये ग्रीन कैंपस है, यहाँ के बच्चे को बाइक और मोटरसाइकिल और कार रखना अलाउड नहीं है, यहाँ के बच्चे साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ग्रीन कैंपस रखने के लिए बच्चे बहुत ही तरीके से ये लोग हेल्प कर रहे हैं, बच्चा हो या बच्ची साइकिल का इस्तेमाल करने में कोई हिचकते नहीं। ऐसा कैंपस शायद ही किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको देखने को मिलेगा। कैंपस के बीच से नेचुरल फॉरेस्ट जैसा जंगल। हमारे आगे है बीआईटी मेसरा का एकेडमिक बिल्डिंग इंस्टीट्यूट। इस जो आगे जो हमारे आगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे उसको पहुंचने के लिए दो रास्ता है, एक लेफ्ट से और एक राइट से। तो हम अभी लेफ्ट का इस्तेमाल करते हैं और आने वक्त हम राइट का इस्तेमाल करेंगे। मुझे लगता है ये लेफ्ट राइट में बॉयज़ के हॉस्टल हैं, आप देख रहे होंगे। मेन एकेडमिक बिल्डिंग के आगे एक बहुत ही खूबसूरत ग्रीन पार्क जहां गुलाबे भरे हैं। ये हॉस्टल नंबर 3, लेफ्ट साइड हॉस्टल नंबर 2। मेन बिल्डिंग के काफ़ी नज़दीक हॉस्टल नंबर 3। और एक हॉस्टल जिसे आप देख सकते हैं, हॉस्टल का नंबर मुझे अभी तक दिखा नहीं, बट मैं आपको हॉस्टल दिखाता हूँ।
मुझे लगता है ये हॉस्टल नंबर वन, हॉस्टल नंबर वन में आपका स्वागत है। ये हॉस्टल वन मेन बिल्डिंग के काफ़ी नज़दीक है। ये देखिए लेफ्ट साइड कार पार्किंग, इंस्टीट्यूट बिल्डिंग आगे, एंड ये जो है आपका मेन बिल्डिंग है। तो हम पहले आपको मेन बिल्डिंग का दर्शन कराते हैं, आशा करते हैं आपको दिख रहा होगा। इसी में इनका क्लास होता है और ये बच्चे लोग इसमें मेहनत से पढ़ते हैं, भविष्य के इंजीनियर बनते हैं। अभी कुछ सिंपोजियम सिनोप्सिस चल रहा होगा और बैनर लगी है। ये काफ़ी सुंदर सा कैंपस, और कैंपस के बाहर आप देख सकते हैं कि साइकिल पार्किंग कैसे लगी हुई है। सभी इंजीनियर साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर के बच्चों को बाइक रखना अलाउ नहीं है। और ये हॉस्टल, तो अभी हम चलते हैं सेंट्रल लाइब्रेरी की ओर और देखते हैं आगे क्या क्या है। और लेफ्ट में अगर जाएं तो हमें क्या मिलेगा अभी हम आपको बताते हैं। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिवीज़न, हमारे लेफ्ट में है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिवीज़न और आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट फर्स्ट फ्लोर। तो हम यहाँ पर से गुजरते हैं। पीआईटी मेश्रा के पीछे मेन बिल्डिंग के पीछे से होते हुए ये रास्ता गुजर रही है। ये रास्ता जो है आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में फर्स्ट फ्लोर में ले जाती है। यहाँ पर आप सेंट्रल लाइब्रेरी का लेक्चर हॉल 1 और 2 उधर है, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स है, आप देख सकते हैं। इधर में सेंट्रल लाइब्रेरी, आगे आपको दिखाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। यहाँ पर कुछ लैब है, लैब लेबोरेटरीज है इंजीनियर्स लोगों की। लेक्चर हॉल 3 और 4 आप देख सकते हैं। और वक्त की कमी के वजह से हम अभी यहाँ के बीआईटी के स्टोर्स में नहीं विज़िट कर रहे हैं, मगर आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार स्टोर्स बीआईटी मेश्रा के। यहाँ पर एटीएम भी काफ़ी हैं और बहुत सारे अच्छे स्टोर्स हैं जहाँ पर आप अपना नाश्ता पानी कर सकते हैं। यहाँ पर एक एसबीआई का ब्रांच है, ये एक चौक है। यहाँ से अगर राइट लेंगे तो आपको क्या है, केयर टेकर डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, कैंटीन बैंक, डिपार्टमेंट ऑफ रॉकरी। ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, यहाँ पर सारे बसें खड़ी होती है। फिर एनिमल हाउस है राइट साइड में, एम्बुलेंस भी खड़ी होती है। देखिए ये बस स्टैंड है, यहाँ पर बस का पड़ाव है, बस यहाँ खड़ी होती हैं, बस का सर्विसिंग होते हैं। नेशनल कैडेट कॉप्स, और यहाँ पर मेरे सामने एक कॉप, मेरे सामने एक गन 6 PDR। वे टू एडमिशन ऑफिस, अभी आपको दिख रहा होगा कि आप अगर बाएं जाएंगे तो आपको एडमिशन ऑफिस मिलेगा, यानी कि यहाँ पर नए बच्चों का एडमिशन होता है। बिल्डिंग के पीछे की ओर, मेन बिल्डिंग के पीछे की ओर, ये सारे बच्चे अभी पढ़ाई लिखाई करके भविष्य फ्यूचर इंजीनियर्स अपने कोर्सेज की ओर जा रहे हैं। काफ़ी शानदार रोड और जानदार हरियाली, मुझे लगता है इधर हॉस्टल्स वगैरह हैं, बच्चे बॉयज़ एंड गर्ल्स दे आर गोइंग टू देयर हॉस्टल्स। इट्स इवनिंग टाइम, पीपल आर वॉकिंग हियर एंड देयर। यहाँ से हम राइट ले लेते हैं जो एक्सटीरियर पार्ट में कैंपस के बाहर की ओर ले जाएगा। कुछ तो है, वीआईपी बंगलो 1 और 2। हमारे राइट में वीआईपी के बंगले हैं, बंगला नंबर 1 और बंगला नंबर 2। अगर आगे चलते हैं तो कुछ तो नहीं, यहाँ पर रोड होती है समाप्त। अगर हम यहाँ से सीधे चलते हैं
तो हमें मिलता है, मुझे लगता है बॉयज़ का हॉस्टल है इधर, क्योंकि बॉयज़ मुझे जाते हुए दिख रहे हैं। वो हम नहीं कर रहे चिंटू, हम तो यहाँ आ गए। अब हम चलते राइट की ओर, ठीक है। लेफ्ट का कैंपस मैंने लगभग आपको दिखा दिया, अब हम चलते राइट की ओर, राइट की ओर चलते हैं। तो हमें क्या क्या दिखेगा ये हम आपको बताते हैं। सीधे चलते पहले, और मुझे लगता है लेफ्ट में इधर हॉस्टल्स हैं, इसमें नो डाउट। और अगर हम सीधा चलते हैं तो देखते हैं, तो सीधे में ऑब्वियसली बॉयज़ हॉस्टल्स हैं, जो भी लाइब्रेरी वगैरह, मेन एकेडमिक बिल्डिंग तो उधर ही है, मेन बिल्डिंग के पीछे। और इधर में भी आप सीधे अगर आगे जाएंगे तो एक्सटीरियर में पहुंच जाएंगे कैंपस के बाहर। और अभी आपको ले चलते हैं कुछ हॉस्टल्स का नज़ारा दिखाते हैं। हाँ, ये है इंटरनेशनल गेस्ट हाउस, आप देख सकते हैं रिनोवेशन चल रहा है। तो ये कैंपस छोटा है चिंटू, अपना BAU जैसा बड़ा नहीं है। आप देख सकते हैं हॉस्टल नंबर 11, हॉस्टल नंबर 10। हॉस्टल का व्यवस्था काफ़ी ठीक है। हाँ, तो ये एक इंजीनियर साइकिल का इस्तेमाल करते हुए, ये एक छोटू बच्चा लगा, तो मुझे लगता है ये फ्रेशर्स लोग हैं। कार पार्किंग कर सकते हैं और आप अपना जो है इसमें हॉस्टल का सुविधा का मज़ा ले सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि हॉस्टल्स के आगे जंगल है। मतलब ऐसा मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं आपको ऐसा नहीं मिलेगा। अगर गार्डन होगी तो मेंटेन किया जाता है, यहाँ तो जंगल है। इतना पुराना साल का पेड़, इसको डिफॉरेस्टेशन करना अलाउड नहीं है। हॉस्टल नंबर 5, दिस वन यू कैन सी द हॉस्टल नंबर 5, बॉयज हॉस्टल। हमारे आगे एक्सटीरियर है, गांव की ओर जा रही है। मेरे राइट साइड में एक और हॉस्टल जिसको हम नज़दीक से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए ठीक है, काफ़ी अच्छा मेंटेन्ड है। एक्चुअली में हॉस्टल्स की संख्या काफ़ी है, बहुत ज़्यादा हॉस्टल्स है। एक्चुअली में इनको सिंगल रूम मिलता है ऐसा मुझे लग रहा है। ये हॉस्टल नंबर 6 था, ये आप देखिए हॉस्टल नंबर 6। और चलते हैं हॉस्टल नंबर 7 की ओर। एक्चुअली में अभी हम जिस ओर जा रहे हैं उधर एग्ज़िट है, तो इधर से ही जाते हैं ताकि हमको एग्जिट के पास पहुंचने में आसानी हो। क्योंकि जब आप एंट्री करेंगे लेफ्ट की ओर जाएंगे तो आपको बस वो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स मिलता है, फिर आप इधर आएंगे राइट की ओर तो हाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ फोटोग्राफर भाई अपना प्रोड्यूस करने का प्रयास में। ये हॉस्टल नंबर 7, सेम टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आपके हॉस्टल में, हॉस्टल के जस्ट बगल में आपको वॉलीबॉल का कोर्ट दिखता है। तो अभी हम एग्ज़िट की ओर जा रहे हैं, लगभग जो है एग्ज़िट के पास पहुंच गए, जहां से हम लोग लेफ्ट लिए थे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की ओर, वहीं से अब हम लोग सीधा चलते हैं ताकि हमें एग्ज़िट मिले। मैं आशा करता हूँ कि आपको PIT मिश्रा के कैंपस का दर्शन करा पाया। एक डिटेल स्टडी तो नहीं है, डिटेल इंट्रोडक्शन या कैंपस टूर तो नहीं है, बट मैंने कोशिश किया बस जहाँ जहाँ रोड गुजर रही है वहाँ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे बॉयज़ हॉस्टल है या फिर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, तो ये सब चीज़ें मैंने दिखाने का कोशिश की।